स्कॉर्पियो है इसकी टक्कर पे, हाँ तो वो लिया कभी टक्कर पे भाई। क्या बात कर दी भाई ने कि भाई कम बैक टू माय चैनल दीप कटाना। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे भाई। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, बढ़िया हूँ। और भाई आज जो गाड़ी दिखाऊंगा ना मैं आपको, जो रिव्यू लेने वाला हूँ जिस गाड़ी का, वो ना एक मतलब क्या क्या बोलते हैं, एक अंधा ट्रेंड चल रहा है कि भाई ट्रेंड में है वो गाड़ी की, भाई ट्रेंड ही है इसका, मतलब इसके मतलब इसे कोई बीट नहीं कर सकती, मतलब इसके सेगमेंट में कोई गाड़ी नहीं है जो इसे मतलब टक्कर दे सकती है। वो कौन सी है? ये है फॉर्च्यूनर। बट फॉर्च्यूनर आपको, आप बोलोगे भाई फॉर्च्यूनर का तो नया फेसलिफ्ट आ चुका है। भाई नया फेसलिफ्ट आ चुका है, मान ली आपकी बात, बट मैं आपको ना एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो फॉर्च्यूनर का रुतबा है क्या है, वो चीज़ मैं आप भाई से पूछूंगा क्यों ली क्या ली। और भाई से, ओनर से मिलाते हैं यार, अपने भाई है कपिल भाई है, और हैरी, हैरी भी चलाते हैं। और कपिल भाई क्या हाल है? ठीक ठाक हो? और भाई हैरी बढ़िया। तो भाई गाड़ी लेने का मेन रीज़न, मतलब पहले तो ये बताओ कब ली? 2020 में, मार्च में। तो भाई ये है 2020 जो सेकंड फेस लिफ्ट, मतलब जो अब नया आ रहा है उससे पहले वाला फेस लिफ्ट है ये। और ये ली थी भाई ने 2020 मार्च में। भाई मेन रीज़न क्या है, मतलब फॉर्च्यूनर बंदा क्यों लेता है, कि फॉर्च्यूनर ही क्यों लेता है, मतलब क्या रीज़न है फॉर्च्यूनर, मतलब जान को भैंसा है, मतलब भाई और भी तो गाड़ी, मतलब जब आपने ली थी जब इंडिवर भी, पर भाई के पास इंडिवर भी आएगी, आप दिखा दूंगा, 7474 ही उसका नंबर है, इंडिवर भी आएगी। तो मतलब भाई क्यों, मतलब क्या रीज़न है फॉर्च्यूनर का? हाँ क्या क्या, दोबारा बोलना। हर मंत्री विधायक, हाँ मतलब फॉर्च्यूनर पे चलते हैं भाई, ये चीज बोली जाती है। मैंने आपको एक शॉर्ट्स में भी दिखाया होगा, जो कंपनी वाले हैं ना कंपनी वाले, अच्छा इस उम्र के बच्चे को। बट एक बात बताऊं भाई, ये ना वो बोलते कंपनी वाले बोलते धाकड़ गाड़ी है, जो बोलते ना धाकड़ चीज है भाई, धाकड़ छोरा है, जैसे बोलते हैं कि भाई गाँव में ऐसा छोरा ना है, तो मतलब शहर में पूरे इंडिया में ऐसी गाड़ी ना हो फॉर्च्यूनर जो टक्कर दे सके। बट लग्जरी अलग चीज होती है। बट भाई जिस जो भाई ने एक बात बोली थी, बट डुक मार के देख लें पता पड़ जाएगी गाड़ी कैसी है, क्या दमदार है, क्या चीज़ है। तो भाई ये है 4x2 ऑटोमेटिक डीजल में। बट अब डीजल में गाड़ी बंद हो चुकी है, तो भाई अब बताएंगे भाई डीजल में गाड़ी बंद हो चुकी है और पेट्रोल में आ रही है। आज पूछी भी थी हमने कंपनी में जाके कि पेट्रोल में है या नहीं है, तो भाई क्या कहना चाहोगे इस बारे में? डीजल जो दमदार गाड़ी है। हाँ कितने की पड़ी थी ऑन रोड? ये 40-42 की। तो भाई मतलब यार, मतलब आज के समय में ज्यादा रेट है वैसे टाइम में, आज हाँ 50+ है, 57 की पड़ रही है ऑन रोड लेजेंडर। और इसकी पता बात करूँ तो ये पड़ती है 48-49 के आसपास पड़ती है ऑन रोड पे, जो नया फेसलिफ्ट है। अब ये बताओ भाई, नया फेसलिफ्ट बढ़िया लगता है या ये वाला बढ़िया लगता है, या इससे पहले पिछले का ये बढ़िया है? सबसे बेस्ट है ये भाई, बढ़िया तो लगेगी। बट मतलब जो नया आ रहा है, मतलब नए में नीचे इंडिकेटर सारे, नहीं लेजेंडर नहीं, वो इसी का फेसलिफ्ट आ रहा है जिसमें इंडिकेटर्स नीचे आ रहे हैं इसमें ऊपर, तो वो कौन सा है, वो कैसा लगता है? मतलब भाई एक फॉर्च्यूनर का बताऊँ ना, एक रुतबा अलग है, दबदबा, जैसे बोलते हैं ना कि भाई गाड़ी अगर कोई देख लेता है कि भाई बाहर चल रही है गाड़ी की, भाई हाँ देखने वाला बंदा, अगला बंदा ये सोचता है कि भाई चाहते हम कोई बैठा होगा इतना तगड़ा, मतलब कि आर पार चीज़ बैठी होगी, या फिर बैठा होगा कोई ना कोई मंत्री वगैरह, मतलब इसका रुतबा ही अलग है। और ये है भाई डीजल BS6 इंजन आता है इसमें। अब भाई आज ही मैं कंपनी में पता की थी MGF टोयोटा में, मतलब ये बंद हो चुकी है डीजल में आना, मतलब पेट्रोल में ही आ रही है अब, और सारी गाड़ियाँ पेट्रोल में आएंगी अब आगे से। तो भाई ये मतलब की तो अब सेम ही मिल रही है सारी में, फॉर्च्यूनर हो या मतलब जो भी गाड़ी है फॉर्च्यूनर की, लेजेंडर हो, मतलब सेम की है यही ये वाली। यार मतलब ठीक है, पर क्या कह सकते हैं भाई फॉर्च्यूनर पर एक चीज़ ना बंदा इसलिए लेता है कि भाई इसका दबदबा हो, रुतबा हो, मतलब चलती है ना रोड पे, आगे वाला भी ये सोचता है कि भाई कोई है गाड़ी है कुछ चीज़, और भीतर वाला भी सोचता है कि भाई अलग ही चीज़ है। तो भाई क्या बोलना चाहोगे इसके लिए फॉर्च्यूनर के लिए, एक वर्ड ऐसा बोल दो कि भाई हाँ कि भाई फॉर्च्यूनर के लिए कुछ बताओ भाई, एक वो बता दो आप इसके बारे में कि भाई क्या बोल, मतलब एक चीज़ एक वर्ड बोल दो इसके लिए फॉर्च्यूनर के लिए। हाँ जान का भैंसा है, पावर भी ज्यादा है भाई स्कॉर्पियन, ठीक है अपने लेवल पे अपने ठीक है, और ये भी अपने मतलब हम गाड़ी कंपेयर नहीं कर रहे कि भाई वो भी ऐसे या वो ऐसे, बट हाँ भाई फॉर्च्यूनर कोई टक्कर ना दे सके। और भाई नंबर की क्या क्या वो है, 74 74
गाड़ी सारी गाड़ियों पे यही तो पता है भाई मुझे भी 74-74 है, बट क्या रीजन था 74007 ले लेते 001 मतलब अलग ही लेना चाहते थे भाई सब ये भाग दौड़ कर रहे हैं कि भाई 0001 आना चाहिए 0007 पर भाई ने अपना ही बना दिया कि 74-74 मतलब 7474 अलग ही। तो भाई एक बार अंदर से कंडीशन दिखा देता हूँ गाड़ी की कैसी बन रही है क्या कुछ है और फिर और बात करेंगे भाई से। तो भाई अंदर से दिखा दूं मैं आपको कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है और एक बार स्टार्ट करके दिखाऊं पहले भाई गाड़ी ना फॉर्चुनर जैसी कोई गाड़ी नहीं है वास्तव में रियल बात है कि भाई फॉर्चुनर ही है। देखो मैं आपको दिखाऊं चला के चलाने में देख दमदार है ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर कोई कुछ नहीं कह सकता भाई ऑटोमेटिक गाड़ी या कुछ दिक्कत है उसमें मतलब हाँ भाई गाड़ी है तो चीज है फॉर्चुनर भाई अलग ही रुतबा है फॉर्चुनर का कि भाई ये लोग कहते हैं कि भाई ये है मतलब ठीक है भाई कंडीशन वगैरह सब सब बढ़िया बन रही भाई। ये है भाई एट सीटर है हाँ 8 सीटर भाई ये मतलब गाड़ी भाई बढ़िया बना रहा है कि 3 साल हो गए भाई 2019 में लिया था और क्या नाम है वो बाहर से एक बार भाई DRL मतलब सेम पर भाई एक चीज बताऊं लुक आज भी इसकी लगती है भाई नई आ जाए या पुरानी आ जाए इससे भी पहले वाली जो फॉर्चुनर उसकी भी लुक हमेशा ही तगड़ी लगती थी बट ये 4x2 डीजल ऑटोमेटिक में है ये। तो भाई वीडियो देखने का धन्यवाद थैंक यू सो मच। अगर आप कहोगे ना इसकी और स्कॉर्पियन की रेस करवा दें इस वाली की जो नई वाली आ रही ना उसकी नहीं जो अब भाई उसमें पावर ज़्यादा BHP ज़्यादा बढ़ा दिया तो इसकी और स्कॉर्पियन की इस वाली की स्कॉर्पियन की ड्रैग रेस दिखा देंगे आपको जल्दी ही और स्कॉर्पियन है कोई सी टक्कर पे ले आओ हारी पड़ी सारी। तो भाई भाई ने कह दी कोई सी टक्कर पा दो खुल्लो चैलेंज है। तो वीडियो देखने धन्यवाद थैंक यू सो मच तब तक के लिए बाय बाय और भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो प्लीज भाई सारे वीडियो तो देख लेते हो भाई एक एक सब्सक्राइब करने में कुछ नजारा कर दो भाई सब्सक्राइब थैंक यू सो मच।